नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछला टॉपिक में बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वगैरह सब कुछ पढ़े हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉर्डर के विषय में हम लोग एक्स्ट्रा और भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज से। टॉपिक नंबर टू में मैंने आपको बताया था, टॉपिक टू में मैंने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा नंबर मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था एक्सट्रीम, स्टेट एंड पॉइंट। चौथा मैंने आपको पढ़ाया था बॉर्डरिंग कंट्री। कंट्री जिसमें से मैंने आपको बताया था कि बॉर्डरिंग कंट्री सभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, बाकी तीन पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है। इसलिए मैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को फिर से एक बार लेकर आया हूँ ताकि हम लोग रिवीजन कर लेंगे इसे अच्छे से। तो चलिए टॉपिक को जो है हम लोग शुरू करेंगे। टॉपिक जो रहेगा हमारा बॉर्डरिंग कंट्री, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए फैक्ट के ऊपर चलते हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉर्डर, यहाँ पर दो तरह के बॉर्डर बनाए जाते हैं। एक जो है नेचुरल, जो नेचुरली बनता है, एक जो है मैनमेड, जो मनुष्य द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इंडिया में आइए, इंडिया में जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं सब आपको हिंदी में भी बताऊँगा, इसके साथ साथ लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में, लेकिन अगर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पर आपको हिंदी बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हिंदी वाले भी इसे समझ पढ़ के समझ जाए इसका मतलब क्या होता है। तो लैंड बाउंड्रीज जो है वो 15,200 किलोमीटर है, और कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स एरिया, यानी कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो भाग भारत का समुद्र तट से जुड़ा हुआ है उसे कोस्ट लाइन कहा जाता है। उसकी लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। अब आइए हम लोग इसे मैप के ज़रिए समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर एक मैप लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये रहा हमारा प्यारा भारत, आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे। मैं इसे और भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आप समझ में आए। चलिए तो ये रहा हमारा भारत, इसे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ पर मैप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, राइट साइड में आपका मैप दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में आपका फैक्ट दिया हुआ है। तो 15,200 लैंड बाउंड्री है। 15,200 लैंड बाउंड्री कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ से मिजोरम वाले भाग से यहाँ से स्टार्ट होता है लैंड बाउंड्रीज, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये मिजोरम, ये मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर थोड़ा सा असम, ये वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, और ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से ये पूरा वाला भाग यहाँ तक जो है इसे हम लोग लैंड बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंड बॉर्डर कहते हैं। इसी का लंबाई यहाँ पर 15,200 किलोमीटर बताया गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कोस्ट लाइन, यानी जो भाग समुद्री तट से जुड़ी हुई है उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि ये वेस्ट बंगाल वाला भाग जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये है कोस्ट लाइन, इसे ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। ये पूरा भाग ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट है, ये भी कोस्ट एरिया है, गुजरात का एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर केरला दिखाई पड़ रहा होगा, मैं मैप को और भी बड़ा कर देता हूँ। केरला, ये रहा कर्नाटक, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा गुजरात, ठीक है। तो ये रहा कोस्ट लाइन, यानी वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक का, प्लस इसमें आइलैंड भी इंक्लूडिंग है, यानी कि लक्षद्वीप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे 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 द्वीप है जिसे लक्षद्वीप बोला जाता है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है इसका, प्लस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अंडमान, ये वाला, ये पूरा, ये एरिया को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर जो है कोस्ट लाइन का लेंथ है। अब मैं आशा करूँगा कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं देखने को मिला होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद हम लोग चलेंगे, यहाँ पर एक फैक्ट है, देखिए ये फैक्ट क्या बोल रहा है। फैक्ट नंबर 1 हो गया हमारा, फैक्ट नंबर 2 हो गया, फैक्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पाकिस्तान शेयर बोथ मैन मेड एंड नेचुरल बाउंड्रीज विथ इंडिया। पाकिस्तान जो है यहाँ पर है, देखिए ये वाला भाग पाकिस्तान है, जो कि आपका इस वाले भाग से पूरा का पूरा लगा हुआ है, लद्दाख। मैं यहाँ पर मैप को और भी बड़ा कर देता हूँ, यह है लद्दाख, लद्दाख से लगा हुआ है इतना क्षेत्र, जम्मू एंड कश्मीर से लगा हुआ है इतना वाला क्षेत्र, उसके बाद पंजाब से ये सीमा लगा हुआ है यहाँ पर, देन गुजरात से लगा हुआ, राजस्थान से लगा हुआ है, और फाइनली यहाँ पर गुजरात से लगा हुआ है। तो ये सीमा जो है नेचुरली भी है प्लस मैन मेड भी है। एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है भारत के साथ, वो आपको लैंड से भी लगता है, लैंड प्लस वाटर दोनों से मर्ज करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ पानी और स्थल दोनों से लगती है, वो है पाकिस्तान। समझ में आया आप सभी को? चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले फैक्ट में। अगला फैक्ट है यहाँ पर, टेरिस्ट्रियल बाउंड्रीज डायरेक्शन और कंट्री, यानी कि कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से कंट्रीज़ जो है वो आपको यहाँ पर बता रहा है। तो चलिए इसे भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मैप को बड़ा कर देता हूँ। देखिए नॉर्थ में यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है, नॉर्थ में यहाँ पर चाइना और नेपाल जो है जुड़ा हुआ है भारत में, यानी नॉर्थ कौन सा है, यह है ईस्टर्न वाला भाग, ईस्ट, यह है वेस्ट, यह है नॉर्थ, और यह है साउथ वाला भाग, ठीक है। तो नॉर्थ यानी ऊपर में कौन कौन से हैं, चाइना, यह है चाइना, तिब्बत वाला भाग, तिब्बत को इसने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, तो चाइना यहाँ पर है, देख लीजिए नॉर्थ में। और नेपाल, नेपाल आप लोग देख रहे हैं ये वाला भाग नेपाल है, तो ये नॉर्थ में हो गया। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट, देखिए यहाँ पर सीमा लगा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, तो ये अफगानिस्तान का हो गया। देन उसके बाद वेस्ट की बात करें, तो वेस्ट में पाकिस्तान है, ये वाला भाग देखिए, ये पूरा का पूरा भाग कहाँ पर है, वेस्ट में है, तो ये हो गया पाकिस्तान। ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार है, ये है हमारा बांग्लादेश और ये है म्यांमार, दोनों कहाँ पर है, ईस्ट में है। उसके बाद देखिए भूटान नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है, यानी नॉर्थ, नॉर्थ प्लस ईस्ट, ये रहा भूटान, ठीक है, यहाँ पे। तो ये रहा टेरिस्टोरियल बाउंड्री, जिसका पोजीशन मैंने आपको मैप के द्वारा बताया है। पिछले क्लास में मेरे पास मैप नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा सा समझाने में असुविधा हुआ, लेकिन इस बार मैं मैप लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। नेक्स्ट आइए, इंडिया मैन मेड बॉर्डर पार्टनर्स कंट्री कौन कौन से हैं, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, मैन मेड जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसे याद रखिएगा। पाकिस्तान नेचुरल भी है, मैं आपको फिर से बता दूँ, नेचुरल प्लस
मैन मेड, ये पाकिस्तान है, लेकिन अगर सिर्फ मैन मेड की बात की जाए तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, नीचे में कुछ फैक्ट हैं, आइए उसे पढ़ लेते हैं। नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज यानी जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, मैंने आपको बता दिया है, ये वाला भाग देखिए यहाँ पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान, चाइना, चाइना, नेपाल, ये रहा नेपाल, लिख जाइए, मैं इसे फिर से रब कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। तो नेपाल यहाँ पर है, तो ये रहा नेपाल। भूटान यहाँ पर है, तो भूटान आप देख सकते हैं, ये रहा पोजीशन। म्यांमार, म्यांमार का पहला नाम बर्मा था तो इसलिए यहाँ पर बर्मा भी लिखा हुआ है। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, यह है बांग्लादेश। मालदीव्स आपको नीचे देखने को मिलेगा इस मैप में, वो यहाँ पर होगा, ठीक है, इस वाले साइड में मालदीव्स आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका ये रहा, ठीक है। तो टोटल ऐसे 9 कंट्रीज़ हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। आशा करूँगा आपको मैप के माध्यम से काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा देश का जो पड़ोसी देश है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड में। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, ये मैंने आपको पढ़ाना भूल गया था। तो फैक्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, द प्लेस ऑफ इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। यहाँ पर एक ऐसा जगह है, कौन सा जगह है, वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और हिंद महासागर आपस में आकर मिलती है, वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। आइए मैप के द्वारा अध्ययन करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यह है हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी ये वाला, ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, तीसरा नंबर इंडियन ओशियन, ये रहा हमारा इंडियन ओशियन। ये तीनों जाकर कौन सी जगह पे मिलती है, ये तीनों जाकर ये वाले जगह पर मिल जाती है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाले भाग पर, ठीक है। आशा करूँगा मैप के द्वारा अच्छा समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे फैक्ट में, ये एग्ज़ाम का फैक्ट है। इंडियन स्टेट विच इज़ सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स, वो ऐसा कौन सा देश है आपसे पूछ रहा है जो तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये वाला भाग है मिज़ोरम, ये वाला भाग मिज़ो पड़ेगा, और ये वाला भाग आप जो देख रहे हैं मैप में, इसे ही त्रिपुरा कहते हैं, त्रिपुरा, जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए ये इस साइड से ये पूरा का पूरा साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैं मैप को और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग त्रिपुरा है, तो ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए कुछ और भी फैक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT 5.5 घंटा है, 5.5 घंटा का डिफरेंसेस है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का जो डिफरेंसेस होता है वो 5.5 घंटा का होता है, और ये 5.5 घंटा को 82.5 डिग्री भी मैंने आपको बताया था कैसे बनाकर इसे तैयार किया जाता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे जो है इसे बनाकर तैयार किया जाता है 5.5 घंटा को। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री का मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि पृथ्वी जो है वो मूव करेगी 24 घंटा में 360 डिग्री मूव कर जाती है, यानी कि अगर घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1440 मिनट आ जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, 12 से 4 मिनट और 1 डिग्री यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। तो अब आइए 5.5 घंटा, यह है हमारा प्यारा ग्लोब, मैं आपको ग्लोब बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। यह है इक्वेटर, और यह है ग्रीनविच मीन टाइम, और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। यह है GMT, यह है IST जो भारत के ऊपर से होकर गुजरती है, ठीक है। आइए तो 5.5 घंटा यहाँ से यहाँ के बीच के जो डिस्टेंस है 5.5 घंटा समय में है, और 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन के हिसाब से है। तो 5.5 घंटा है, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा को हम लोग 5 घंटा 30 मिनट 5 को 60 से इंटू करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 300 मिनट आ जाएगा, प्लस 30 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा। तो अब इसे हमें डिग्री के में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग 4 मिनट से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 8 बार में चला जाएगा 32 10, और ये 2 बार में कटेगा 8 2 2 से ही 4, 1/2 × 60 काट के 30, यानी हम लोगों ने देखा 82.5 डिग्री 30 मिनट हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 82.5 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आल्सो नॉन एज 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, हिंदी में 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन के नाम से जाना जाता है। हिंदी वालों के लिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके बताया है कि कैसे जो है मिनट से डिग्री में और डिग्री से मिनट में कन्वर्ट किया जाता है। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, लैटिट्यूड को अक्षांश बोला जाता है, लैटिट्यूड को अक्षांश रेखा कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये सभी रेखाएं जो है आपस में इमेजिनरी है, ठीक है, काल्पनिक है, काल्पनिक रेखा है। इससे हम लोग डेट टाइम वगैरह ये सब मेज़र करते हैं, एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है इससे हमें, इसलिए ये वाला लाइन बनाकर तैयार किया गया था। देन अगला फैक्ट क्या है हमारा, अगला फैक्ट हमें बोल रहा है नंबर ऑफ विलेज इन इंडिया इज़
टोटल भारत में कितने गांव हैं? देखिए सेंसस 2011 के हिसाब से ये आपसे पूछ रहा है कि भारत में कितने गांव थे, तो 649,481 गांव काउंट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। अगला फैक्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट टेरिस्ट्रियल बॉर्डर विथ बांग्लादेश वाइल शॉर्टेस्ट टेरिस्ट्रियल बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। देखिए सबसे लंबा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है और जो सबसे छोटा सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ है। आइए यहाँ पर हम लोग मैप से समझ जाएंगे, मैं यहाँ पर मैप लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैप से आशा करूँगा कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा बांग्लादेश, एक मिनट, ये देखिए ये है बांग्लादेश, 4,156 किलोमीटर इसका लेंथ है, 4,156 किलोमीटर बांग्लादेश का भारत के साथ लेंथ है, इसका सीमा बनता है, इसलिए ये सबसे लंबा बाउंड्री है। उसके बाद अफगानिस्तान जो है, यहाँ पर देखिए इस वाले सेक्टर में अफगानिस्तान लिखा हुआ है जिसका लेंथ 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर इसका लेंथ है, इसलिए ये सबसे छोटा सीमा रेखा होता है और बांग्लादेश जो है वो सबसे बड़ा सीमा रेखा बनता है भारत के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर मैंने आपको कन्वर्ट करके समझा दिया है। अब आइए हम लोग इसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज़ जो है भारत के कितने राज्य से सीमा बनाती है उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पेज को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश से स्टार्ट करेंगे। बांग्लादेश का सीमा जो है कौन कौन से राज्यों के साथ मिलकर बनती है ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सीमा रेखा, यह है बांग्लादेश 4,156 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है, 4,156 किलोमीटर सबसे लंबा सीमा रेखा कितने राज्यों से होकर बनती है, ये वेस्ट बंगाल याद रखिएगा एक, दूसरा आ जाएगा आपका मेघालय दो, एक वेस्ट बंगाल, दूसरा आ जाएगा आपका मेघालय, ये वाला भाग देखिए, ठीक है, देन इसके बाद आपका आ जाएगा आसाम, तीन नंबर आसाम, चार नंबर में आ जाएगा आपका त्रिपुरा, पांच नंबर में आ जाएगा आपका मिजोरम। तो ये पांच राज्यों से सीमा बनाती है बांग्लादेश, लेंथ हो गया 4,156 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन अब हम लोग फाइनली आएंगे म्यांमार के पास में, देखिए म्यांमार जो है उसका सीमा लेंथ कितने राज्यों से सीमा बनाती है ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। म्यांमार यानी बर्मा से कौन कौन से स्टेट जो है वो सीमा बनाती है, सबसे पहले देखिए यहाँ पिंक में मिजोरम है एक, जिसकी राजधानी है आइजोल, हम लोग कैपिटल भी लेकर चलेंगे। म्यांमार जो है 1,624 किलोमीटर का लेंथ है भारत के साथ। मणिपुर यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जिसकी राजधानी है इम्फाल। नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर। तो ऐसे फोर स्टेट हो गए जो भारत का फोर ऐसा स्टेट है जो म्यांमार यानी बर्मा से सीमा बनाता है। अब हम लोग मूव करेंगे अगले कंट्री की तरफ जो कि रहेगा हमारा भूटान। भूटान है यहाँ पे, ये रहा भूटान नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश से बनाता है एक, दूसरा सिक्किम,
तीसरा असम, चौथा वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा ये चार स्टेट के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करेंगे नेपाल के साथ। आइए 1758 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाती है नेपाल। अब कौन कौन से राज्य से, पहला सिक्किम हो गया जिसकी राजधानी गैंगटोक है, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, तीसरा बिहार जिसका राजधानी पटना, चौथा उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, उसके बाद है उत्तराखंड राजधानी है देहरादून। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेपाल 6 स्टेट के साथ सीमा बनाता है भारत के साथ। सीमा रेखा 1758 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग मूव करेंगे चाइना के साथ। चाइना में देखिए सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, 1 ठीक है, 2 सिक्किम, 3 उत्तराखंड, 4 लद्दाख। देखिए ये लद्दाख जो है ये यूटी है यानी यूनियन टेरिटरीज है। तो इतने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है चाइना, ये आपको याद रखना है ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करेंगे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान सिर्फ भारत के एक राज्य से, वो भी यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा रेखा बनाता है। ये रहा ये वाला क्षेत्र ठीक है, ये वाला लद्दाख जिसका राजधानी क्या है, लेह है। अफगानिस्तान का लेंथ 106 किलोमीटर है जो कि किससे बनाता है, लद्दाख से, सबसे छोटा सीमा रेखा। इसके बाद हम लोग आएंगे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान किसके किसके साथ जो है सीमा रेखा बनाती है, एक हो जाएगा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, दूसरा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर जिसका राजधानी आपको श्रीनगर मिलेगा, तीसरा हो जाएगा पंजाब ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका राजस्थान जिसका राजधानी जयपुर, उसके बाद हो जाएगा गुजरात जिसका राजधानी हो जाएगा गांधीनगर। टोटल लेंथ जो है 3,323 किलोमीटर है, ये भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है। कितने, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट के साथ ये भी सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका जो है वाटर से सीमा रेखा बनाती है और वो भी तमिलनाडु के साथ ठीक है, वाटर से सीमा बनाती है। ये बीच वाला आप जो भाग देख रहे हैं ये है पाक स्ट्रेट, इसे हम लोग पाक स्ट्रेट बोलते हैं, याद रखिएगा। श्रीलंका और भारत के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अगर स्टेट पूछे तो तमिलनाडु आपको बताना है। अब आइए इतने सारे जानकारी के बाद और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर पढ़ना बाकी है, चलिए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए, भारत का अभी प्रेजेंट में टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सारे के सारे स्टेट दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस स्टेट को पढ़ लीजिएगा, साथ में उसका कैपिटल भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर दो लाइन गई हुई है, एक है आपका ये वाला 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और इसी रेखा के माध्यम से पूरे भारत में हम लोग समय की गणना करते हैं। और एक रेखा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई हुई है, ये वाली रेखा 23.5 डिग्री, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये भारत के कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए मैं इसे मैप को बड़ा कर लेता हूँ। एक जो है गुजरात ठीक है, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया झारखंड, पांचवा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, छठवा हो गया आपका ये त्रिपुरा, सातवा हो गया मिजोरम और आठवा एक हमारा छूट रहा है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये रहा राजस्थान।
तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये भी भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वो भी 82.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये है एक नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आ जाएगा उड़ीसा और पांचवा आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये मैं मैप के माध्यम से आपको पढ़ाया हूँ, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था पर मैंने मैप का यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस वाले क्लास में मैंने मैप का यूज़ किया हुआ है ताकि प्रॉपर रूप से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और कैसे जो है रेखा गुजरती है, कौन से राज्य कितने राज्यों से, कौन से कंट्री कितने राज्यों से होकर सीमा बनाती है और किसका लेंथ कितना है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ये मैं आशा करूँगा। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले फैक्ट पर। चलिए अब हम लोग अपने नए फैक्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। इस वाले वीडियो में मैं पूरा कन्फर्म कर दूँगा कि क्या क्या पढ़ना है हमें। देखिए हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक हमें पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा हमें पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक नंबर में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न, फिजिकल डिवीज़न पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया। चौथा हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया भारत की जनजाति, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, भाषा, भारत की भाषा क्या क्या है। छठवां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम निकास नली, जो कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाकर तैयार किया जाता है, क्या है उसके फ़ायदे, क्या है उसके नुकसान, वो पढ़ेंगे। क्लाइमेट जलवायु पढ़ेंगे, नेचुरल डिज़ास्टर पढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदा। नौ नंबर हम लोग पढ़ने जाएंगे सॉयल यानी कि मिट्टी। दस नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद ग्यारह नंबर में जो ग्यारह नंबर टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इरिगेशन एंड कैनल। इरिगेशन एंड कैनल। 12 नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी कि नदी के ऊपर में, नदी तंत्र के ऊपर में हम लोग इस पर पढ़ाई करेंगे। और फाइनली मिसलेनियस, जो जिसको हम लोग हिंदी में विविध कहते हैं,
मिसलेनियस, हिंदी में जिसे हम लोग विविध कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक जो हैं हमें इंडियन ज्योग्राफी में क्लियर करने हैं, जिसमें से इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग फिजिकल डिवीज़न के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम लोग टॉपिक को जितना जल्द से जल्द हो सके इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, फिजिकल डिवीज़न आज जो है हमारा टॉपिक वो रहेगा हमारा फिजिकल डिवीज़न। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी हिसाब से हम लोग आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, भारत का भौतिकीय विभाग क्या क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। सबसे पहले इसे रब कर दिया जाए। आइए, फिजिकल डिवीज़न, भौतिकीय संरचना क्या है। भौतिकीय संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, वो यहाँ पर आपको बता रहा है। नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे, भारत का जो प्राकृतिक रीजन है, प्राकृतिक क्षेत्र, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, भारत के प्राकृतिक क्षेत्र पर थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला है पैलियो मैग्नेटिज्म अ ब्रांच ऑफ स्टडी। मैग्नेटिज्म यानी जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, उसको अध्ययन करने के तरीके से हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्या क्या उससे अध्ययन हम लोग कर पाएंगे। हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ एन एनिशियंट जियोलॉजिकल फेनोमेनन, मतलब जितने भी प्राचीनतम फेनोमेनन हुए हैं, प्राचीनतम क्रियाकलाप हुए हैं एक पृथ्वी एक स्थलखंड या फिर समुद्री भाग या फिर मैदानी भाग बनने में, वो इसके द्वारा पता चलेगा इससे अध्ययन करने से। ठीक है, दूसरा क्या बोला, स्टडी द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का जो है चुंबकत्व शक्ति के बारे में हमें पता चलेगा। बेसिस फॉर प्रूविंग थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कैसे जो है कॉन्टिनेंट अलग अलग महाद्वीप बनकर तैयार हुआ है, वो इसके द्वारा हमें पता चलेगा। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज प्रिजर्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, कैसे जो है पर्वतीय भाग और अवसादीय चट्टान बनकर तैयार हुआ है, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है हमें। नंबर वन में पढ़ना है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, जो भारत के उत्तरीय भाग है वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। दूसरा नंबर हमें वास्ट प्लेन, जो आपका जैसे कि हिमालय का जो सबसे निचला हिमालय है सह्याद्री वाला भाग, वहाँ पर जो प्लेन है मैदानी भाग है उसके बारे में अध्ययन करना है। तीसरा बोल रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार जो भारत के दक्षिण में पाया जाता है उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है, यानी दक्षिण का पठार कहते हैं इसे। ठीक है, यह है मैदानी भाग, हिंदी में भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यह है उत्तरीय पर्वतीय भाग और यह है कोस्टल प्लेन, यानी कि कोस्टल प्लेन आप लोग समझ रहे होंगे जैसे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट होता है वही वाला भाग, मतलब दक्षिणी भारत का ये वाला, यह हुआ ईस्टर्न कोस्ट, ये हुआ वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर जो ये वाला भाग होता है ये मैदानी भाग ईस्टर्न कोस्ट का और वेस्टर्न कोस्ट का वो बता रहा है, तो उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। इंडियन लैंड मास के बारे में, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, भारत जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग रह चुका है। अब इसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसे हम लोग समझेंगे एक मैप के द्वारा। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। तो फैक्ट क्या है, मेसोजोइक एरा 200 मिलियंस ईयर एगो, मतलब 200 साल पहले, डिवीज़न ऑफ पेंजिया बाय कन्वेंशन करेंट। देखिए, पेंजिया सबसे पहले कोई भी महाद्वीप नहीं था, ठीक है, कोई भी महाद्वीप नहीं था, सभी महाद्वीप आपस में कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे।
तो कन्वेंशन करंट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे कि कन्वेंशन करंट होता क्या है। देखिए पृथ्वी के तीन परत होते हैं, एक होता है क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया कोर। ठीक है, तो पृथ्वी के तीन परत होते हैं, तीनों का सब परत होता है, यानी कि हर एक भाग का दो भाग होता है, यानी क्रस्ट का भी दो भाग होगा, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। उसी तरह मेंटल का भी अपर मेंटल लोअर मेंटल होता है, देन उसी तरह कोर का भी होता है अपर कोर एंड लोअर कोर बोलकर होता है। तो जो कन्वेंशन करंट होता है वो मेंटल वाले भाग में हुआ था, यानी कि पृथ्वी का ये रहा ऊपरी भाग, ये तीसरा, एक दो तीन। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है कोर। तो इस वाले भाग में कन्वेंशन करंट देखने को मिला, यानी कि कन्वेंशन करंट उसे कहा जाता है कि इस भाग में इतना ज़्यादा हीट पैदा हुआ, हीट पैदा होने की वजह से वहाँ के जो लिक्विड है उस पर, उसके डेंसिटी पर असर पड़ा, उसके घनत्व पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा। ये वाला भाग बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा और गर्म होने की वजह से मेंटल वाले भाग पर, वहाँ पर डेंसिटी पर, उसके घनत्व पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा और असर पड़ने के बाद वहाँ के भाग टूटने फूटने लगे, जिसके वजह से पैंजिया, जो पहले एक महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था, वो धीरे धीरे टूटकर अलग होने लगा और अलग अलग महाद्वीप में डिवाइड हो गया। यही होता है डिवीज़न ऑफ पैंजिया बाई कन्वेंशन करेंट। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे मैप के माध्यम से, तो मैं यहाँ पर मैप लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे जो है पहले था और अब कैसे जो है। देखिए मैं यहाँ पर दो मैप लेकर आ रहा हूँ, ये मैप है, देखिए इसे ही पैंजिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, पैंजिया इसे ही कहा जाता है। पहले सभी आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ कन्वेंशनल करंट के वजह से, तो सभी महाद्वीप अलग हो गए। देखिए इंडिया महाद्वीप, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे। लेकिन कन्वेंशन करंट की वजह से किसमें, मेंटल वाले क्षेत्र में हुआ, क्या हुआ, यहाँ के जो लिक्विड है, लिक्विड वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगा और हीट होने की वजह से इसके डेंसिटी पर, डेंसिटी यानी कि घनत्व पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा, जिसके वजह से ये सभी भाग टूटने लगे, नीचे वाला भाग सब टूट टूट कर अलग होने लगा। ठीक है, और टूट कर अलग हुआ तो वो किस प्रकार अलग हो गया, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसे रब किया जाए, आइए पिक्चर को लाया जाए। पिक्चर को लाने के बाद यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि कैसे जो है फॉर्मेशन तैयार हुआ। तो ये देखिए, देख रहे हैं, पहले नंबर वन पर हम लोग आते हैं, नंबर वन देखिए पैंजिया कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ये है पैंजिया जो आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये 250 मिलियन ईयर एगो था। अब 200 मिलियन ईयर एगो माने जैसे जैसे समय घटता चला गया, ये क्या हुआ, कन्वेंशन करंट की वजह से ये टूटने लगा। तो देखिए
फिर क्या बना, गोंडवाना लैंड बन गया ये पूरा का पूरा, और ये ऊपर वाला लोरेशिया बन गया, ठीक है। अब बीच में तेथिसी है जहाँ पर आज हिमालय बनकर तैयार है। 145 मिलियन ईयर एगो जुराक्सिक ईयर जिसे कहा जाता है, वह अब कैसे हो गया, देखिए ये स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये इंडिया है, अब ये नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा है, कहाँ, यूरेशिया की तरफ, यूरेशिया की तरफ मूव हो रहा है, ये नॉर्थवर्ड्स मूव हो रहे हैं। देन 65 मिलियन ईयर एगो जैसे जैसे समय घटता चल जा रहा है, तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ बनकर इस तरह तैयार होता चला जा रहा है। और फाइनली देखिए यहाँ पर पाँच नंबर में कुछ इस तरह से अफ्रीका, इंडिया यहाँ से मूव करके नॉर्थवर्ड गया, ठीक है, नॉर्थवर्ड, और एशिया वाले भाग, यूरेशिया वाले भाग में जाकर जुड़ गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 33C था, तो अब यहाँ पर हिमालय पर्वत बनकर तैयार हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया और यूरोप सभी मिलकर अलग हो गए, इस तरह से बना महाद्वीप, ठीक है। आशा करूँगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत न हुआ हो आप लोगों को। चलिए फैक्ट में आते हैं, नॉर्थवर्ड यानी उत्तर की तरफ क्या हुआ, भारत का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उत्तर की तरफ ये बढ़ने लगा ऑफ इंडियन प्लेट, जैसा कि मैंने आपको बताया मैप में। रिजल्ट क्या हुआ, कॉलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट, स्मॉल प्लेट जो कि छोटा प्लेट था, एंड यूरेशियन प्लेट जो कि बड़ा प्लेट था। छोटे प्लेट बड़े प्लेट यानी इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलकर क्या हो गए, कॉलिजन हुआ, टकराव हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। अब आइए, एरिया अंडर गोंडवाना टेरेन, गोंडवाना लैंड के अंदर में कौन कौन सा आया, इंडिया आया, ऑस्ट्रेलिया आया, अफ्रीका आया, साउथ अमेरिका आया और अंटार्कटिका आया। मैं आपको मैप में बताया था कि कौन कौन से जो है इसमें भाग आए हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट फैक्ट में, डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन रेंज एंड हिमालय एट वेस्टर्न एशिया, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो जो तेथिस सागर था जो मैं आपको बताया था यहाँ मैप में, एक मिनट रुक जाइए, इससे मैं कट करके यहाँ पर मैप दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये वाला मैप, तो ये वाला मैप देखिए, देखिए यहाँ पर 33 सागर है, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यही जो भारत आगे की तरफ मूव हुआ, तो ये बीच का जो सेडिमेंट्स था, यहाँ का जो अवसाद था वो 33 सागर पहले था, उसके बाद यहाँ पर ये ड्रिफ्ट होने लगा, ड्रिफ्ट होकर यहाँ पर आकर मूव होकर जो जॉइंट हुआ, कॉलिजन हुआ दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, वही यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन द इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ 33C लोकेटेड बिटवीन दिस प्लेट्स, ये दोनों प्लेट के बीच में अवसादीय थे, वो अवसादीय इन दोनों प्लेट के क्या हुआ, बिटवीन टकराव हुआ, टकराव होने के बाद इनमें मोड़ आया, मोड़ आने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। आशा करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, 50 मिनट का वीडियो होते चला है, आपको भी पढ़ने में सुविधा होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, पासेस पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, नॉर्थ इंडियन में कौन माउंटेन्स है, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।